अब मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ कि इलिप्स और हाइपरबोला की जो इक्वेशंस होती हैं ना, जिसमें पैरेलल वाले केस होते हैं, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस, इनको सॉल्व करना मुश्किल होता है। इसमें दो चीज़ें जो होती हैं उनकी ट्रिक निहायत ही ईजी है, वो निकालने को अगर आपको बोला जाए तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, तो वो मैं ट्रिक आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा। बाकी कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसमें एच के और ए बी सी की इनकी वैल्यू निकाल रहे होते हैं, लेकिन वो ट्रिक याद करना बड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए, आप लोगों को बकायदा रट्टे मारने पड़ेंगे। मुझे अभी तक वो याद नहीं हुई, मेरे पास लिखी भी है। तो वो वाली ट्रिक अगर आपको कुछ और चीज़ फाइंड करने का बोला जाए ना, तो जो कन्वेंशनल मेथड है मैं आप लोगों को वही रिकमेंड करूँगा, मैं ट्रिक बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। जो ट्रिक आप लोगों के काम की है मैं ज़्यादातर वो डिस्कस करता हूँ, और वो अभी सबसे पहले मैं वही डिस्कस करने लगा हूँ। वो ट्रिक है दो चीज़ों से रिलेटेड। वो पहली वाली ट्रिक जो है वो तो एलिप्स हाइपरबोला दोनों में वैलिड है, दूसरी वाली ट्रिक हाइपरबोला के लिए हल्का सा आप चेंज करोगे लेकिन तकरीबन वैलिड है उसके लिए भी, और वो है सेंटर और इसेंट्रिसिटी निकालने को अगर आपको बोला जाए। अब शुरू के जो दो केस थे इजी वाले, उसमें तो आपको पता है सेंटर 0-0 पे होता था, और इसेंट्रिसिटी निकालना आपको मेथड पता था, बड़ा इजी था, आप इसेंट्रिसिटी निकाल लिया करते थे। लेकिन अब इसमें सेंटर 0-0 पे नहीं होता, एच कॉमा के पे होता है, तो अब एच के की वैल्यू कैसे निकालोगे? अच्छा, इसी तरह इसेंट्रिसिटी निकालना भी मुश्किल काम है, तो उसकी ट्रिक जरा देख लो। सबसे पहले सेंटर की हम बात करते हैं। सेंटर के अगर आप कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ना, तो उसकी ट्रिक ये है कि आप अपनी इक्वेशन में एक्स की टर्म जो है उनको डिफरेंशिएट कर दो। 9x² का डेरिवेटिव होगा 18x, माइनस 18x का डेरिवेटिव होगा माइनस 18। इसको रखो 0 के बराबर, यहां पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। जो भी x की वैल्यू होगी ना वो सेंटर का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मतलब h की वैल्यू आपके पास आ गई है। क्या किया मैंने, जो दो x की टर्म थी उनको डिफरेंशिएट किया और उसको रखा इक्वल टू 0। वहां से जो वैल्यू निकाली वो बेसिकली किसकी वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी, वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया। अब आपको निकालनी है k की वैल्यू, तो वो भी आप निकाल सकते हो। आप अपनी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो y वाली टर्म को, ये दो y की टर्म है इनको डिफरेंशिएट कर दो, तो हो जाएगा 8y + 16 इक्वल टू 0 रखो, यहाँ से y की वैल्यू -2 आ जाएगी। ये बेसिकली आपके पास क्या आया, k आ गया, आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1, -2। तो ये सेंटर बहुत ही इजी। अब ये ट्रिक को आपके लिए मुश्किल नहीं है याद रखना, x को डिफरेंशिएट करना है, y के टर्म को डिफरेंशिएट करना है, h और k आपके पास आ जाएगा। तो अगर आपसे ये इक्वेशन गिवन हो, अच्छा ये ट्रिक इलिप्स में भी वैलिड है, हाइपरबोला के अंदर भी वैलिड है, ठीक है। जब आप देखो इतनी बड़ी सी इक्वेशन है ना, या तो इलिप्स की होगी या वो हाइपरबोला की होगी, तो उसमें सेंटर इसी तरीके से आप आराम से निकाल सकते हो। तो एक ट्रिक तो ये होगी, ये इस ट्रिक की वर्किंग है, और आपने निकाला क्या, सेंटर निकाल लिया। अब दूसरी ट्रिक है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी निकालने का बहुत इजी फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट 1 माइनस। अब इलिप्स के अंदर क्या होता है, इलिप्स के अंदर होता है स्मॉल डिवाइडेड बाय लार्ज। अब ये स्मॉल और लार्ज क्या है, देखो दो टर्म्स होती हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली, जिसका कोफिशेंट छोटा है वो आप ऊपर लिखोगे, जिसका कोफिशेंट बड़ा है वो आप नीचे लिख दोगे। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट 9 है, वाई स्क्वायर का 4 है, तो छोटा वाला 4 है, बड़ा वाला 9 है, उसको आप नीचे लिख दो, सॉल्व कर लो। 9 × 9 9 − 4 क्या होता है, 5 के बराबर, तो ये हो जाएगा 5/9। 5 को ऐसे रहने दो रूट के अंदर, 9 का रूट 3 होता है, तो आपके पास इसेंट्रिसिटी क्या आ जाएगी, √5/3 आ जाएगी। तो इस ट्रिक से आप आसानी से सेंटर और इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो। यहाँ तक कोई इशू? तो आई गेस ये आप लोगों को इजी लगेगा, ये तो आराम से हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर कुछ और पूछ लिया जाए, डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन, उसके लिए आपको देखो ए बी सी चाहिए। अब ए बी सी कैसे निकालोगे? अच्छा, ये गलती नहीं करना, आपको पता है कि सेंट्रिसिटी C/A होता है, तो ये सी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रेशो के अंदर आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। इस चीज़ को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, ये एक ही बात है, √5/3 और 2√5/6 दोनों का आंसर सेम है, तो अब क्या बोलोगे, सी की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू ये है? नहीं, आप रेशो से ना, फ्रैक्शन से नहीं जज कर सकते कि वैल्यू क्या होगी इसकी, क्योंकि आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो कुछ भी, इसी तरह कुछ भी डिवाइड कर दो। तो इस वाली जो अभी तक आपने पढ़ा है ना, इसमें आपको जस्ट एच और के की वैल्यू पता है, और कुछ नहीं पता इन ट्रिक से रिलेटेड आपको। अगर आपको निकालना हो बाकी चीज़ें तो कैसे निकालोगे, बाकी चीज़ें का मतलब फोकस पूछ लिया जाए, वर्टिसेस पूछ लिया जाए, डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन पूछ ली जाए, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस पूछा जाए,
लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो कैसे निकालोगे? तो अव्वल तो ये सवाल आते नहीं है, बहुत कम आपको मिलेंगे जो बड़ी इक्वेशन के साथ आते हैं। लेकिन अगर आ जाए तो मैं रिकमेंड करूंगा कन्वेंशनल मेथड जो है उसको करो। और कन्वेंशनल मेथड निहायत ही ईजी है, बस आपको एड सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ भी नहीं करना, और बेसिक अलजेब्रा है वो। मैं आपको एक दफा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को इशू ना हो, वो जो मेथड है उसको देख लो। ये आपने अपने क्वेश्चंस में भी किया होगा। इसके लिए आपको x वाली टर्म एक साथ होनी चाहिए, y वाली टर्म एक साथ होनी चाहिए, आपका मसला आधा हल हो जाता है। किस तरह करोगे? एक्स स्क्वायर के साथ जो भी चीज लिखी हुई उसको कॉमन ले लो, 18 में से 9 कॉमन लो, 2 बचेगा। अच्छा, इन दोनों में से जो y के स्क्वायर लिखा हुआ है ना y स्क्वायर के साथ, उसको कॉमन ले लो, मतलब 4 को आपने कॉमन ले लिया, तो ये y स्क्वायर होगा। 16 में से अगर 4 कॉमन लोगे तो 4 बच जाएगा, -11 अपनी जगह पे। ये लेने के बाद आपने कंप्यूटिंग स्क्वायर करनी है। कंप्यूटिंग स्क्वायर क्या होता है कि आप देखते हो x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या, -2, -2 को 2 से डिवाइड कर दो, 1 आंसर आएगा। मतलब पॉजिटिव 1 हो या नेगेटिव 1 हो, बात एक ही है। आपने x के कोफिशिएंट को जो भी है उसको 2 से डिवाइड करो, 1 आंसर आएगा। 1 का स्क्वायर जो है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, उसको आप ऐड करवा दो और सब्ट्रैक्ट करवा दो। क्या किया मैंने, दोबारा बता देता हूँ। x के कोफिशिएंट को आपने 2 से डिवाइड किया, 1 आया, 1 का स्क्वायर आपने ऐड करवा दिया और सब्ट्रैक्ट करवा दिया। सेम काम यहां पे करो, y का कोफिशिएंट 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 आएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 के बराबर, 4 आप ऐड करवा दो, 4 आप सब्ट्रैक्ट करवा दो। जब आप पहली दफा करोगे आपको उसे समझने में मुश्किल लगे, एक दफा आपकी प्रैक्टिस हो जाए ना तो यकीन मानो ये 20-30 सेकंड का प्रोसेस है, बड़ा है ही नहीं। बस आपको वो रटे रटाए स्टेप करने, ऐड सब्ट्रैक्ट करना, और कुछ भी नहीं करना। अब नेक्स्ट स्टेप में आधी चीजें आपकी हल हो जाएंगी। कैसे? शुरू की 3 टर्म जो है ये फॉर्मूला बना रही होंगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहां पे भी शुरू की 3 टर्म जो है ये फॉर्मूला बना देंगी y प्लस 2 का होल स्क्वायर, -4 अपने जवाब पे और -11 अपने जवाब पे। और अब आखिरी स्टेप ये होगा के 9 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे इन दोनों टर्म से, और 9 को -1 से मल्टीप्लाई करो, -9। इसी तरह 4 को पहले टर्म से मल्टीप्लाई करो, 4 को इस -4 से मल्टीप्लाई करो, -11। जो भी आपको कांस्टेंट नजर आ रहे हैं ना उनको आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, -9, -16, -25, -25, -11, -36, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो यहाँ पे ये चीज़ बच जाएगी। अच्छा, ये MCQs है, ऑब्वियसली स्टेप मैटर नहीं करते, तो आप कुछ चीज़ों को स्किप भी कर सकते हो अगर चाहो तो आप, ठीक है। ये जो मैंने स्टेप लिखाया है आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आप फॉर्मूले में बंद भी कर दो और डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। जब आपने कर लिया, अब ये वही काम बन जाएगा जो आप पहले करते थे, कि राइट हैंड साइड जो भी लिखा होता था उससे आप डिवाइड कर लिया करते थे, तो वही काम करो। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1। तो ये जो स्टेप कितने किए, 4 स्टेप मैंने किए ना, ये आपके पास नए स्टेप है। यहाँ से काम तो वही है जो आप पहले करते हुए आ रहे थे। तो अगर ये सवाल आ गया, इन दो में से चीज़ें पूछी गई, फिर तो आसान है। या जो इसकी ट्रिक है ना वो इतनी है, उसमें तो आपको पूरा एक नंबर याद करना पड़ेगा, नंबर होगा एच स्क्वायर इक्वल टू कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू कोफिशेंट ऑफ वाई स्क्वायर, फिर माइनस सी है प्लस सी है, फिर आप उस नंबर को डिवाइड करोगे एच स्क्वायर से, पता नहीं के स्क्वायर से। तो वो इतना बड़ा याद रखने से बेहतर है कि जो कन्वेंशनल मेथड है इसको कर लो, ठीक है। सवाल है सर, कन्वेंशनल मेथड का दूसरा स्टेप रिपीट कर दें, सबके पास वीडियो चल रही है। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या आता? हाँ यार, मैं दोबारा बता रहा हूँ, हालांकि ये बात आपने फर्स्ट ईयर में पढ़नी चाहिए थी कंप्लीटिंग स्क्वायर की, कि जो x के साथ लिखा हुआ है इसको 2 से डिवाइड करो, 1 आएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना, तो 1 ऐड करवा दो, 1 सब्ट्रैक्ट करवा दो। इसी तरह y के साथ क्या लिखा हुआ है, 4, 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 आएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 4 को ऐड करवाओ, 4 को सब्ट्रैक्ट करवा दो। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के स्टेप होते हैं। जब आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, अब तो आपके पास हर हर किस्म की वैल्यू आ रही होगी। आपको पता है एलिप्स में जो बड़ी चीज़ होती है वो ए स्क्वायर होती है, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, जो छोटा होता है वो बी स्क्वायर होता है। इसी तरह जो एक्स के साथ लिखा होता है वो एच होता है, जो वाई के साथ होता है वो के होता है। अच्छा, एच के तो आपको डायरेक्ट भी मिल सकता है, एच के अगर आप
यहाँ तक आपने कन्वर्ट कर लिया सही है, लेकिन एच के तो सेंटर से भी निकाल सकते हो। तो ये जो वन है ये किसके बराबर होगा, एच के बराबर। देखो अगर दरमियान में माइनस है ना तो आप एच की पॉजिटिव वाली वैल्यू लोगे, मतलब एच को आप वन लोगे, लेकिन अगर दरमियान में पॉजिटिव है तो आप जो के है ना उसको आप लोगे माइनस टू। और दिखने में भी लग रहा है यहाँ पे के माइनस टू आ रहा था। तो अगर दरमियान में नेगेटिव है आप पॉजिटिव वाली वैल्यू लोगे, मतलब वन ही लोगे आप, और अगर दरमियान में पॉजिटिव है तो फिर आप नेगेटिव ले लोगे। जब आपके पास एच आ गया, के आ गया, ए बी आ गया, सी स्क्वायर भी आप निकाल सकते हो। सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर फाइव आ जाएगा। अब आपको कुछ भी बोला जाए आप हर चीज़ यहाँ पर निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए कि आप यहाँ पर निकालो वर्टिसेस, तो आपको पता है वर्टिसेस क्या होंगे। अच्छा ये जो है ये चौथा वाला केस है, जो आखिरी वाला टेबल था ना, क्योंकि इसमें पैरेलल टू वाई एक्सिस वाला केस है, तो इसमें वर्टिसेस थे एच कॉमा के प्लस माइनस ए पे। तो एच यहाँ पे आया है वन, के यहाँ पे आया माइनस टू प्लस माइनस ए, ए यहाँ से क्या हो जाएगा थ्री के बराबर। तो इसके दो आंसर होंगे वन कॉमा माइनस टू प्लस थ्री, वन के बराबर होता है, और माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव के बराबर होता है। तो ये दो वर्टिसेस आ जाएंगे। इसी तरह फोकस निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ डायटिसेस, हर चीज़ आ सकती है अगर आपको टेबल याद है तो। सर ऑड नंबर हो तो कोफिशिएंट ऑड नंबर हो तो, भाई कुछ भी हो यहाँ पे कोफिशिएंट वैसे क्या है, ऑड ही नंबर है। मतलब मुझे सवाल समझ नहीं आया, इवन ऑड का तो कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पे, इवन ऑड का तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है। एक इवन है एक ऑड आ रहा है, लेकिन उससे तो कोई कंसर्न ही नहीं है। कुछ भी हो तभी तो मैंने बताया मेथड कोई मसला ही नहीं करेगा, आपको टाइम लेगा ऑब्वियसली। मैं ये अपने जहन में आप क्लियर कर लो, अगर आपको एनईडी में 2 घंटे में 100 एमसीक्यूज करने होते हैं तो ये समझ लो मैथ के 25 एमसीक्यूज आपको तकरीबन 30 मिनट के अंदर करने हैं, क्योंकि इंग्लिश में तो आप 25 मिनट नहीं लगाओगे ना। और एनईडी की अच्छी बात ये है कि इसमें आपको हर सेक्शन वाइज टाइम नहीं होता, आपको पूरे 4 सेक्शन दे दिए गए हैं, आपकी मर्जी आप जिस सेक्शन को 10 मिनट दो, किसी सेक्शन को 50 मिनट दो, कोई रोकेगा नहीं आपको। किसी सेक्शन को ना अटेम्प्ट करो, कुछ भी करना कर लो। तो अब इंग्लिश के सेक्शन में आप 30 मिनट तो दे नहीं सकते, बेवकूफ वाली चीज़ होगी, खासतौर पर सिंध बोर्ड वाले बच्चों की इंग्लिश काफ़ी वीक होती है। तो इंग्लिश को आप 20 मिनट दे देना, 15 मिनट दे देना। मैथ एक मुश्किल पोर्शन है, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री के भी ज़्यादातर सवाल थ्योरी के होते हैं, कि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाएगा, कुछ क्वांटिटीज पूछ ली जाएंगी, न्यूमेरिकल्स इतने बहुत ज़्यादा नहीं होते उसके अंदर। मैथ के अंदर तो ऑब्वियसली आपके पास इक्वेशंस ही ज़्यादातर आती हैं, तो मैथ को आप 30-35 मिनट दे देना। कितने सवाल आपको एमसीक्यूज में ऐसे नजर आएंगे जो विद इन 10 सेकंड आप कर सकते हो। अब मुझे बताओ अगर इसका सेंटर पूछ लिया जाए तो ये 10-15 सेकंड का काम है, डेरिवेटिव लेना और क्या करना है इसके अंदर। तो कोई सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जो 5 सेकंड के अंदर 10 सेकंड के अंदर हो रहे हैं। जैसे एक सवाल आया है इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला, 1 सेकंड का जवाब है, 1 होती है, इसमें टाइम लगेगा आपको। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें 1-1.5 मिनट लग जाएगा, तो ये अपने जहन में बना के रखना। तभी मैंने स्टूडेंट को ट्रिक बताई हुई कि सबसे पहले आपने ईजी वाले करने हैं, जब इजी हो जाए लेट कर लो आपने 35 मिनट मैथमेटिक्स को देने हैं। ये मेरी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की हुई, आप देख लेना कि एनईडी में किस तरह आपने टाइम मैनेज करके करना है। तो आपने इजी पहले कर लिए, ठीक है, 35 मिनट आपने रखे थे, 25 एमसीक्यूज मैथमेटिक्स के होते हैं, तो आपने उसमें से 15 कर लिए 10 मिनट के अंदर। अब आपके पास पीछे 25 मिनट बचे हैं, 25 मिनट में आराम से जो 10 रह गए जो मुश्किल वाले हैं या जो नहीं आ रहे उस पर सोचो, आराम आराम से उसको सॉल्व कर लो। तो इस टाइप का पूरा पेपर होता है, तो घबराना नहीं कि अगर एक एमसीक्यूज बड़ा आ गया, बजाय ये कि आप ट्रिक्स याद करते जाओ करते जाओ, पेपर में आओगे भूल जाओगे। सिंपल सी बात है, आप मशीन नहीं हो जो हर चीज़ याद कर लोगे, एंड पे प्रेशर पड़ता है भूल जाते हो। अब ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली हमारे टीचर बड़ी बनाने के लिए ट्रिक बता देते हैं कि वो बस हम ट्रिक्स बताएंगे, ट्रिक्स ट्रिक्स ट्रिक्स, बच्चे कहते हैं ट्रिक्स मिल गई, पेपर में भूले हुए होते हैं। मैंने कोई ट्रिक याद ही नहीं की थी, मैंने कहीं से कोर्स ही नहीं किया था, 81 नंबर आए थे, 2 दिन तैयारी की थी, मेरी पूरे साल से तैयारी अच्छी थी, लेकिन मुझे कोई ट्रिक्स नहीं पता थी। तो एनईडी में तो ये भूल जाओ, आपके ट्रिक्स नहीं होंगी तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। नस के लिए बात होती तो मुझे समझ आती कि नस में कैलकुलेटर लाओ भी नहीं है, सब मसले। तो जो कन्वेंशन है ना उस पर जाओ, ज़्यादा ट्रिक्स के अंदर ना घूमो, लेकिन जो इजी होती है वो मैं आप लोगों को डेफिनेटली शेयर कर देता हूँ। यार ये आपके काम की चीज़ है, आप आसानी से निकाल सकते हो। अब लेट कर लो अगर आपको सेंटर बोला जाए तो सेंटर के लिए आप ये पूरा यहाँ तक वर्क करो फिर एच के निकालो, तो ये मुश्किल चीज़ है। जब एक ईजी ट्रिक है तो आप इसको याद कर लो। सर मैथ के एनईडी के पास पेपर के पीडीएफ शेयर कर देगा ग्रुप पे। यार मेरे पास पीडीएफ है नहीं, या शायद होगा, जो मेरी वीडियोस है आप उसमें जाके देख लेना, मैंने वीडियोस में ऐड किया हुआ है। बहरहाल मुझे मौका मिला तो मैं मैसेज कर देना, मैं इंशाल्लाह देख लूँगा। अच्छा तो भाई सिंपल सी बात है, गुफ्तगू हमारी यहाँ तक पहुँची है कि आपने 5 चीज़ें निकालनी हैं, एच के ए बी सी। अब आपको कुछ भी बोला जाए, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया वर्टिसेस,
फोसाई बोला जाए, कोई भी क्वांटिटी आपको बोला जाए, आप आसानी से निकाल सकते हो, तो आपको मसला नहीं होगा। इसेंट्रिसिटी तो आपने पहले ही निकाल ली थी, वो तो इशू नहीं है। तो बाकी वो टेबल देख लेना, उसमें प्रैक्टिस के तौर पे 4-5 क्वांटिटीज अपनी तरफ से लेट कर लेना। लेट कर लो आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोला जाए, तो ए जो है वो 3 के बराबर है, तो मेजर एक्सिस यहाँ पे हो जाएगा 6 के बराबर, और माइनर एक्सिस यहाँ पे हो जाएगा 4 के बराबर। तो बाकी वो आप टेबल देख लो, आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। कि होमवर्क के तौर पे 3-4 चीज़ें और भी निकाल लेना ताकि प्रैक्टिस हो जाए, मेथड यही है। और अगर बात की जाए हाइपरबोला में, तो सेम मेथड हाइपरबोला के अंदर भी यही है। हाइपरबोला के अंदर भी आप यही काम करोगे, 2x की टर्म होंगी, 2y की टर्म होंगी, इसी तरह आप कॉमन लोगे, सब काम करोगे। मैं शुरू की जरा हिंट दे दूंगा आपको, बाकी यही काम है, इसी तरह h की आप निकालते हो। हाइपरबोला की पहचान आपको होनी चाहिए, क्योंकि हाइपरबोला में नेगेटिव आता है, ठीक है। लेट कर लो दरमियान में नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, तो हाइपरबोला में आप देखते हो पॉजिटिव टर्म कौन सी है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका डिनोमिनेटर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पहचानने वाला तरीका तो मैंने आपको पहले भी बताया है, आप आसानी से पहचान सकते हो, बाकी मेथड वही होगा। हाइपरबोला में एक चेंजिंग है सेंट्रिसिटी के अंदर, वो मैं आपको बता दूंगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे।